गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कि एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हुई वो स्टडी करने वाले हैं। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर टू एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कि ये ऐसे एफर्ट्स है जिससे हम क्या कर रहे हैं, फार्मर्स जो हैं वो अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा रहे हैं। यानी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर करते हैं, क्या करते हैं उसमें, एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, यानी कि हमने ऐसे क्या एफर्ट लगाए जिससे हमारा फार्म प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए, और इंक्रीज कितना होना चाहिए, जिससे जो हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है यानी पॉपुलेशन की जो फूड की डिमांड है उस डिमांड को हम फुलफिल कर सकें, पूरी कर सकें, उसे बोलेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। यानी कि इसका मतलब है कि ऐसे एफर्ट जिससे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन हमने इंक्रीज कर दिया ताकि हम अपनी पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा कर सके। दिस कैन बी अचीव इन मैनी वेज सच एज, अब ये जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाला पार्ट आता है इसको अचीव कैसे करेंगे, इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले है इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, यानी जो हम जिस एरिया में क्रॉपिंग करें, जिस एरिया में एग्रीकल्चर कर रहे हैं उस एरिया को बढ़ा देंगे। दूसरा द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, जितनी हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन को भी इंक्रीज करना है, यानी अगर हम एक सीजन में एक क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो हम एक से ज्यादा ग्रो करनी पड़ेगी। दूसरा इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी को इंप्रूव कर देंगे, वाटर फैसिलिटी को इंप्रूव कर देंगे तो एग्रीकल्चरल जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो हमारा फुलफिल हो जाएगा। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर का यूज करना स्टार्ट करना पड़ेगा, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ऐसे सीड यूज करने पड़ेंगे जिससे हमें हाई यील्ड मिले, यानी अच्छी मतलब जो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रॉप हमें यहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो अगर हमें ये अचीव करना टारगेट हमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले जो क्रॉप एरिया है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन को इंक्रीज करना पड़ेगा, इरिगेशन फैसिलिटी को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, और फर्टिलाइजर्स का यूज़ बढ़ाना पड़ेगा, और साथ में हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज़ करना पड़ेगा। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप उसमें आता है। अब मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, कि एग्रीकल्चर के अंदर हम मशीन्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, मशीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उन मशीन की मदद से हमारा काम जो ईजी गोइंग हो जाएगा, काफ़ी फास्टली हो जाएगा। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी, और जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मेन गोल क्या है, हमें फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज करना है। मान लो हमारे पास इतना फूड होना चाहिए, अगर हमारे यहाँ पर मान लो अगर 5-10 साल खेती नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से, तो हमारे पास आने वाले 10-15 साल का फूड स्टॉक होना कंपल्सरी, फूड स्टॉक होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है एग्रीकल्चर हैज डेवलप एट डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब एग्रीकल्चर जो होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में किया जाता है। डेवलपिंग कंट्री विद अ लार्ज पॉपुलेशन यूजली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। बात करते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा क्या करती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर को यूज कर रही है। वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग, जहां पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर के अंदर क्या करते हैं, क्रॉप्स को हम स्मॉल एरिया में ग्रो करते हैं। देन अगला है लार्जर होल्डिंग, लार्जर होल्डिंग की बात करते हैं तो फूड आर मोस्ट सूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। बात करते हैं ऐसे एरिया जहां पर फूड को कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है, जैसे यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, कि यहां पर जो फूड ग्रो कर रहे हैं ये, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं ये कमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए करते हैं। डेवलपिंग कंट्री जो करती हैं वो अपने परिवार के लिए करती हैं। With the help of two case study of farms, one from India and other from USA, let us understand about the agriculture in the developing and developed country. अभी हम यहाँ पे एक case study पढ़ने वाले हैं, हम दो farm के बारे में पढ़ने वाले, एक farm जो India का, एक farm जो America का है, और दोनों में उनके difference या उनके जो advantage disadvantage वो देखने वाले हैं। तो start करते हैं, A farm in India, the main feature of farm in India are following, the main features के जो Indian farm होते हैं, जो फार्म का साइज है वो स्मॉल होता है, 1.5 हेक्टेयर, कितना हेक्टेयर है, जो एरिया कितना है, 1.5 हेक्टेयर है, बहुत छोटे छोटे फार्म देखने को मिलते हैं इंडिया में। दिस इज ड्यू टू रिपीटेड डिवीजन ऑफ लैंड, क्योंकि इंडिया में हमारे लैंड को काफी हमने डिवाइड करके रखा हुआ है, इस कारण से हमें जो फार्म है इंडिया में छोटे देखने को मिलते हैं।
द लैंड इज इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, जो लैंड है उसको इंटेंसिवली कल्टिवेट किया जाता है, यानी एक छोटे परिवार के लिए, छोटे परिवार द्वारा उसको कल्टिवेट किया जाता है। डबल क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग आर कॉमन, यहाँ पे डबल क्रॉपिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, एक फील्ड में एक से ज्यादा फसल वहां पर उगाते हैं। फार्मर यूजली ग्रो वीट और राइस, यहाँ पे वीट राइस और पल्सिस ग्रो की जाती है। मशीन्स का यूज बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ही मतलब इक्का दुक्का मशीन यहाँ पे यूज किया जाता है। Either they take tractor on the rent or use traditional method of farming. या तो ट्रैक्टर का यूज करने वाले या फिर जो ट्रेडिशनल मेथड है बैलगाड़ी वगैरह, बैलों से खेतों की जुताई करते हैं या प्लोइंग करने के लिए बैल को यूज करने वाले हैं, बुल को यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो। ऑल फैमिली मेंबर्स हेल्प इन वेरियस एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जितने फैमिली मेंबर्स हैं मतलब फार्मर के, वो पूरे पूरे उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी में फार्म में लग जाते हैं काम करने के लिए। दूसरा आता है द फार्मर हैव स्टार्टेड यूजिंग यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। अब बात करें इंडिया में फार्मर्स ने क्या किया है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड यूज करना स्टार्ट कर दिया। केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने लग गए, पेस्टिसाइड यूज करने लग गए और सॉइल का मॉइस्चर का ध्यान रखने लग गए, यानी हमें ऐसी सॉइल मतलब बना के रखनी है उसमें इरीगेशन आसानी से मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। दिस ब्रॉड इंक्रीज इन फार्मिंग प्रोडक्शन, इससे क्या हुआ इंडिया में फार्मिंग प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुका है और एग्रीकल्चर की ग्रोथ लगातार होती जा रही है और इसको बोला गया ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन का बात 1960 में आया था, हरित क्रांति भी इसको बोला जाता है। द फार्मर ऑल्सो कीप एनिमल लाइक बफेलो एंड हेंस विच प्रोवाइड देम मिल्क एंड एग। अब फार्मर यहां पे क्या करता है, बफेलो का वगैरह पालने लग गया, हेंस वगैरह पालने लगा, जिससे उनको मिल्क और एग दोनों मिल जाते हैं। द फार्मर डू नॉट हैव देयर ओन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटी, फार्मर के पास खुद की ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए वो अपनी क्रॉप को सेल कर देता है ताकि उसलिए वो अपनी क्रॉप को सेल कर देता है लो प्राइस के अंदर। अगर उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी हो जाए तो अपनी फसल को, जो क्रॉप्स को या फिर जो उसका प्रोड्यूस है उसको लार्ज अमाउंट में वो सेल कर सकता है। बात करते हैं लास्ट है हमारा अ फार्म इन यूएसए। यूएसए के फार्म में क्या होता है, जनरली जो फार्म एरिया है वो 250 से 500 हेक्टेयर के करीब होता है। द फार्मर जनरली रिसाइड एट द फार्म, जो फार्मर्स हैं वो फार्म में ही रहते हैं, जो उनका जो जमीन है उस जमीन पर वो रहते हैं। फार्मर आर हाईली मैकेनाइज्ड, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन, जो फार्मर्स हैं वो मैकेनाइज होते हैं, यानी जितना भी काम होने वाला है उनका मशीन से होने वाला है। ट्रैक्टर्स यूज करेंगे वो, सीड ड्रिल यूज करने वाले हैं, मतलब ट्रैक्टर की वजह से सीड को ड्रिल करने वाले हैं। लेवलर्स यूज करेंगे, कंबाइन हार्वेस्टर यूज करने वाले हैं, थ्रेसर यूज करने वाले हैं, जिससे वो अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मैनुअल लेबर देखने को नहीं मिलती, मजदूरों को नहीं लगाते हैं, मशीनों से पूरा काम करवाते हैं। एनिमल्स आर रियर ऑन डेयरी फार्म, एनिमल्स के लिए अलग से डेयरी फार्म बना रखे हैं, यानी इंडिया में तो फार्म और मतलब एनिमल्स और फार्म दोनों एक जगह रहते हैं, लेकिन यहाँ पर डेयरी फार्म अलग बना के रखे हुए हैं। मिक्स्ड फार्मिंग यहाँ पर कॉमन है, यानी एक से ज्यादा फार्मिंग यहाँ पर कर लेते हैं एक साथ वो। फॉर्डर क्रॉप्स आर ग्रोन टू फीड द एनिमल, फॉर्डर क्रॉप्स को अलग से ग्रो करते हैं ताकि एनिमल्स को अपने फीड कर सके। द यील्ड पर एकड़ इज लो, पर एकड़ की यील्ड की बात करें वो लो रहती है, लेकिन द यील्ड पर वर्कर इज हाई, यानी वर्कर की जो वर्कर के हिसाब से यील्ड की बात करें वो हाई रहेगा, लेकिन एरिया के हिसाब से यील्ड क्या रहती है, कम रहती है। टोटल प्रोडक्शन इज वेरी हाई, लेकिन जो टोटल प्रोडक्शन होने वाला है वो काफी हाई होने वाला है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4, अब इसी क्वेश्चन से हम कवर करने वाले हैं।